Hello guys, welcome to the official YouTube channel for Samrat Technologies. So in today's video, we are going to discuss about the meta and description tag in SEO. So basically SEO जो है digital marketing के perspective से देखा जाए तो बहुत ही important topic है, जिसमें कि SEO क्या है. SEO is the search engine optimization, जिसमें आपका जो भी website है वो आप गूगल पे या फिर याहू पे जब भी सर्च करते हो, दैट मीन जो भी सर्च इंजन से उसके ऊपर आप जब भी सर्च करते हो तो आपकी वेबसाइट कौन से नंबर पर रैंक कर रही है, तो उसमें आपकी SEO का एक मेन रोल रहता है. और SEO में कुछ फैक्टर्स रहते हैं जिसके ऊपर SEO डिपेंड करते हैं, उनमें से मेटा एंड डिस्क्रिप्शन एक है. ठीक है, सो मेटा क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, कौन कौन से टाइप के मेटा टैग्स आप अप्लाई करते हो जब भी आप अपनी वेबसाइट का SEO कर रहे हो, तो इस बात को लेके आज का हमारा जो लेक्चर है वो रहने वाला है. तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द मेटा एंड डिस्क्रिप्शन एंड व्हाट काइंड ऑफ मेटा टैग्स दैट यू आर यूजिंग इन द SEO. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ मेटा टैग्स. सो मेटा टैग्स आर एरिया एंड HTML कोड दैट कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट अ वेबसाइट. सो बेसिकली आपका जो मेटा टैग है वो आपकी वेबसाइट का मेन पार्ट आपको बताता है कि आपकी वेबसाइट किस बात के रिगार्डिंग बनी हुई है, उसकी एक इन्फॉर्मेशन उसके पास सेव रहती है. ठीक है, सो मेटा टैग एक एरिया है जिसमें आपका HTML कोड रहता है और पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी वेबसाइट की कंटेन रखता है, मतलब सम अप रहता है इन्फॉर्मेशन. सो मेटा टैग में हमारे HTML का कोड जो होता है वो कंसिस्ट करता है आपकी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन को. और मेटा टैग बेसिकली सामने नहीं दिखता है, जब भी आप अपनी वेबसाइट को खोलोगे तो बिल्कुल सामने नहीं दिखेगा. आपके सोर्स कोड में आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन से मेटा टैग्स जो है आपने लगाए हैं, जब किसी भी वेबसाइट के ऊपर कौन से मेटा टैग जो है अप्लाई किए गए हैं. ठीक है, तो उसको आप कंट्रोल व्यू करके उसका सोर्स कोड व्यू करके चेक कर सकते हो. सो सर्च इंजन असेस करते हैं सर्टन मेटा टैग्स को, सो दे कैन फॉर शो द रिजल्ट इन द सर्च पेजेस. सर्च पेजेस के ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, उस सर्च पेजेस कैसे काम करता है और सर्च टूल कैसे काम करता है वो आप एक बार जरूर देख लेना, तो सर्च पेजेस का लॉजिक आपको क्लियर हो जाएगा. सो बेसिकली सर्च पेज क्या होते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस. ठीक है, तो जैसे ही आपने गूगल के ऊपर कुछ सर्च किया तो आपको पहले 10 पेज मिले, तो दैट इज द सर्च पेजेस. अब उसके ऊपर आपका डाटा कैसे होगा, दिस विल डिपेंड ऑन द मेटा टैग्स एंड मेटा डिस्क्रिप्शन. फॉर एग्जांपल पेज टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन इन द सर्च रिजल्ट, दीज आर द मेटा टैग्स. ओके, जैसे आप इस पिक्चर के ऊपर देखो तो यहाँ पे एक टाइटल है और मेटा डिस्क्रिप्शन कंटेंट इज इक्वल टू आई कैन टेल यू व्हाई यू शुड विजिट द पेज इन 160 कैरेक्टर. सो डिस्क्रिप्शन की लिमिट है 160 कैरेक्टर और ऐसे ही मेटा की भी एक लिमिट रहती है. सो उसके बारे में हम फर्दर डिस्कशंस लेंगे. सो नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ मेटा टैग एंड डिस्क्रिप्शन. तो मेटा टैग कैसे दिखते हैं, अगर आप किसी भी वेबसाइट का सोर्स कोड चेक करोगे तो पहले हेड सेक्शन में जो है मेटा के टैग्स हैं वो लगाए रहते हैं. तो मेटा कैरेक्टर टैग्स UTF-8, मेटा नेम व्यूपोर्ट, मेटा नेम डिस्क्रिप्शन, ठीक है, प्रॉपर्टी और रिलेशन कैनोनिकल. सो बेसिकली कुछ हमारे पास मेटा टैग्स रहते हैं, उसकी एक एग्जांपल का स्निपेट्स मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है और जो इंपॉर्टेंट टैग्स हैं उनके बारे में नेक्स्ट डिस्कशन भी लिया गया है. सो नेक्स्ट वी हैव सम इंपॉर्टेंट मेटा टैग्स. सो कौन कौन से मेटा टैग है जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो पहले हमारे पास है टाइटल, डिस्क्रिप्शन, रोबोट्स, रिफ्रेश, रीडायरेक्ट, करेक्टर सेट और व्यूपोर्ट. तो इसमें से सबसे पहले अगर बात की जाए तो मेरे पास है टाइटल टैग. सो टाइटल टैग का क्या काम रहता है, टाइटल टैग जो है दैट इज मेन फर्स्ट वैल्यू, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था राइट हियर टाइटल. सो टाइटल आप जब भी वेबसाइट बनाते हो तो वेबसाइट के ऊपर हेड में आप टाइटल देते हो कि आपका फर्स्ट पेज क्या टाइटल है, सेकंड का क्या टाइटल है. सो जो टाइटल टैग है दैट विल प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोस्पेक्टिव ऑफ SEO. ठीक है, सो टाइटल टैग HTML दैट विल टेल मोर अबाउट योर पेज इन फाइंड इन जस्ट शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म कीवर्ड. बेसिकली आप जो अपना टाइटल है वो लॉन्ग भी रख सकते हो, जैसे कि How to write a SEO, और आप SEO लिख सकते हो learn SEO. तो short and long term keyword के ऊपर आप अपना title जो है रख सकते हो. So title tag are important for SEO and visit duration. So maximum limit जो रहती है that is the 60 character. आपका title tag 60 character का होना चाहिए and proper readable हो. ठीक है, and जो बार बार repeat नहीं होना चाहिए title tag. मान लो आपने एक पेज पे लिखा, सेकंड पेज पे भी सेम लिख रहे हो, थर्ड पे भी, तो बेसिकली आपका जो टाइटल टैग है वो ज़्यादा टाइम रिपीट नहीं होना चाहिए और थोड़ा यूनिक रहे तो बेटर रहता है इन द वे ऑफ
SEO. सो नेक्स्ट वी हैव अ मेटा डिस्क्रिप्शन. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर इसकी बात की जाए सम्राट टेक्नोलॉजी, सो दिस इज द टाइटल हियर. सो सम्राट टेक्नोलॉजी द टीम ऑफ बेस्ट वेब डिजाइनर, वेब डेवलपर, सॉफ्टवेयर टेस्टर, जो ये सब लिखा रहा है. सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन. सो डिस्क्रिप्शन बेसिकली एक समअप होता है आपकी वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट है उसके बारे में, और एक तरह से जो डिस्क्रिप्शन है आपकी एड का काम भी करता है, ठीक है. सो बेसिकली मेटा डिस्क्रिप्शन का काम आपकी वेबसाइट के कंटेंट को समअप करके दिखाना है. सो जनरली इट विल बी अ 160 कैरेक्टर लॉन्ग. सो नेक्स्ट वी हैव अ मेटा रोबोट्स. मेटा रोबोट्स क्या काम करता है? द मेटा रोबोट tells search engines it is necessary for crawling your web page on a search engine. Your web page index and crawling is depend on the meta robots. Basically जो meta robots है वो काम करता है आपके पेज को क्रॉल करने का. सो क्रॉलिंग क्या है? जैसे कि आपने अपना पेज जो अभी SEO किया, तो जो गूगल है वो क्रॉल करेगा, ठीक है. गूगल के कुछ रोबोट्स हैं वो क्रॉल करेंगे, देन क्रॉल करने के बाद आपके पेज एक इंडेक्स बनेगा और उस इंडेक्स के ऊपर आपकी SEO रहती है. तो क्रॉलिंग के लिए हमें जो रोबोट्स हैं उनको बताना रहेगा कि कौन से पेज को इंडेक्स करना है, किसको फॉलो करना है, किसको फॉलो नहीं करना है. तो इन सब के ऊपर रहते हैं रोबोट एट्रीब्यूट्स. तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, विद दिस एट्रीब्यूट यू आर टेलिंग द सर्च इंजन व्हाट टू डू विद योर पेजेस, जैसे कि इंडेक्स और नो इंडेक्स, फॉलो और नो फॉलो. तो आपको जैसे अपनी SEO करनी है, जैसे अपने पेज को दिखाना है या नहीं दिखाना है, कितने लिंक फॉलो करवाना है, फॉलो लिंक नहीं करवाना है, तो वैसे आप मेटा रोबोट्स की हेल्प जो है ले सकते हो. और इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से रहता है, मेटा नेम इज इक्वल टू रोबोट कंटेंट इंडेक्स फॉलो और नो फॉलो और बोथ विल फॉलो और वन विल फॉलो, ठीक है. सो नेक्स्ट वी हैव अ मेटा व्यू पोर्ट. सो व्यू पोर्ट का काम क्या रहता है? व्यू पोर्ट का काम है सेट द विजिबल एरिया ऑफ वेब पेज. तो बेसिकली हमारे पास जो भी वेबसाइट है उसको हर एक एंगल से कवर करना कि वो आपकी डेस्कटॉप पे कैसे दिख रही है, आपके मोबाइल पे कैसे दिखेगी, टैबलेट पे कैसे दिखेगी. तो उसका काम थोड़ा मेटा व्यू पॉट करके देता है. सो इसको आप ऐसे लिख दो, मेटा नेम इज इक्वल टू व्यू पॉट कंटेंट इज इक्वल टू विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस हाइफन विड्थ इनिशियल स्केल 1.0. सो बेसिकली आप देखोगे कि जिन वेबसाइट के ऊपर व्यू पॉट लगा रहता है उनकी रिस्पॉन्सिवनेस अच्छी होती है, रेदर जिनके ऊपर व्यू पॉट नहीं लगा रहता. सो नेक्स्ट वी हैव अ रिफ्रेश रिट्रैक्ट. तो रिफ्रेश रिट्रैक्ट कुछ टैग जो है इसका काम है कि आपके वेबसाइट के कंटेंट को, उसके यूआरएल को बार बार रिफ्रेश करते रहना. सो इन शॉर्ट इट रिफ्रेश द वेब पेज ऑटोमेटिकली आफ्टर स्पेसिफिक टाइम. सो मेटा रिफ्रेश रिडायरेक्ट द टैग आर इंपॉर्टेंट फॉर द SEO इन द सेंस दे शुड नॉट यूज देम, बट इसको ज़्यादा यूज नहीं करते क्योंकि गूगल भी इसको ज़्यादा क्रॉल नहीं करेगा. सो रिफ्रेश टैग SEO के प्रोस्पेक्टिव से वैसे इंपॉर्टेंट है बट इतना ज़्यादा यूज में नहीं लिया जाता है. सो इन लास्ट वी हैव अ ओपन ग्राफ मेटा टैग्स एंड ट्विटर कार्ड्स. ओपन ग्राफ मेटा टैग एंड ट्विटर कार्ड्स में क्या रहता है? दीज टैग आर मेक सोशल मीडिया सिक्रांचिज ईजियर. तो जो हमारे सोशल मीडिया है उनका एक बैकलिंक कैसे बनाना है, उसको कैसे आपने अपने पेज के ऊपर एड ऑन करना है, सो दीज टैग्स विल हेल्प. जैसे कि ग्राफ मेटा टैग एंड ट्विटर कार्ड, तो इसमें आपके पास क्या कौन कौन से टैग रहते हैं आप देख सकते हो. जो भी आपने वैल्यू को ऐड करना है उसको ओजी के साथ में हम ऐड करेंगे. तो ओपन ग्राफ ओजी, ठीक है. मेटा प्रॉपर्टी इज इक्वल टू ओजी टाइप कंटेंट आर्टिकल प्रॉपर्टी ओजी टाइटल कंटेंट टाइटल ऑफ योर पोस्ट और पेज, ठीक है. ऐसे ही आपको अगर इमेज देनी है तो ओजी इमेज और कंटेंट में आप इमेज फाइल दे दोगे जैसे, ठीक है. और सेम ही आपका रहेगा सोशल मीडिया के लिए. जैसे आप देख सकते हो मेटा नेम ट्विटर इमेज कंटेंट लिंक टू इमेज और जिस साइट आप URL का साइट दो, प्रमा लिंक का साइट दो, या फिर अपने किसी पेज का लिंक दे दो. तो बेसिकली ये टैग आपको हेल्प करेंगे आपकी सोशल मीडिया ऐड करने में, इमेज ऐड करने में, या फिर लिंकिंग्स ऐड करने में. इसके बिना हमारे पास कुछ हेडिंग टैग्स रहते हैं, दीज विल HTML टैग जैसे कि H1 to H6, उसको भी आप अपने SEO के प्रस्पेक्टिव से टैग में ऐड कर सकते हो. दिस विल ऑल्सो एडेड इन द लिस्ट ऑफ मेटा टैग्स. ओके, तो इसके प्रैक्टिकली मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि कैसे जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन है वो सर्च इंजन पे काम करती है. ऑलराइट, सो अगर आप जहाँ पे देखो तो आपको कुछ भी आप अगर सर्च कर रहे हो, मान लो हमने यहाँ पे सर्च किया सम्राट टेक्नोलॉजीज, ठीक है. सो सम्राट टेक्नोलॉजीज इसको एंटर करो, तो जैसे ही आपने इसको एंटर किया गूगल के ऊपर हमारी जो भी क्रॉलिंग बनी हुई है उसके बेस से सबसे ऊपर आई हमारी वेबसाइट, देन जस्ट टाइप का प्रोफाइल, देन बिजनेस ब्लॉग का प्रोफाइल और लिंक्डइन, बेसिकली सब जो कीवर्ड आप डालते हो उसके ऊपर आपकी सर्च रहती है, राइट. तो जहाँ पे अगर हम देखें तो मेरे पास दिस इज़ अ टाइटल, दिस इज़ अ डिस्क्रिप्शन, ओके. सो ऐसे ही आप अगर कोई और कीवर्ड से सर्च करो, मान लो मैंने इसको सर्च किया अभी डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, सो डिजिटल मार्केटिंग,
सो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर जैसे हम सर्च करते हैं तो कुछ पेजेस हमें और मिलते हैं, तो आप उसके ऊपर भी यहाँ पे सर्च देख सकते हो, जैसे कि दिस इज द टाइटल फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड दिस इज द डिस्क्रिप्शन। अब जहाँ पे नंबर ज़्यादा काउंट होंगे तो वहाँ पे आपको ऐसे डॉट 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 भी दिखेंगे। तो इसके रिगार्डिंग एक बार आप सर्प टूल का जो वीडियो है उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, काफ़ी सारे आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ओके जी, सो होप श्योर आपको आज का वीडियो अच्छे समझ आ गया होगा। फॉर मोर टेक्निकल वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विच इज समरा टेक्नोलॉजीज। थैंक यू सो मच।